फाइनली इन लोगों को याद आया, जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। सातवें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख है हम लोग, नहीं समझ में आता कि छह चरण तक किस तरीके से बिहार बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है, छह चरणों में मतदान हो चुके हैं, वोट डाले जा चुके हैं और अब बारी है सातवें चरण की, जो कि 1 जून को होना है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा, फिर 4 तारीख 4 जून वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन वोटों की काउंटिंग होगी और उस दिन पता चल जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसे गद्दी सौंपी है और कौन प्रधानमंत्री या देश पर शासन करने वाला है। अब ऐसे में तमाम नेता जो है वो बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता जो है वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। इनफैक्ट बिहार में भी आ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने बिहार में अपना कैंप बना रखा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-6 बार बिहार आ चुके हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम नेता जो है वो बिहार आ चुके हैं। अब ऐसे में कल राहुल गांधी आने वाले हैं और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बिहार आने वाले हैं। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया चिराग पासवान से तो देखिए लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि चलिए हमारे कहने के बाद अब तो इन्हें सद्बुद्धि जगी। सातवें चरण के मतदान के पहले ये बिहार पहुंच रहे हैं, इन्हें बिहारियों की अब फिक्र हो रही है। तो देखिए राहुल गांधी के बिहार आने को लेकर, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के बिहार आने को लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ तंज कसा है। फाइनली इन लोगों को याद आया, जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। सातवें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग, नहीं समझ में आता कि छह चरण तक किस तरीके से बिहार बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला है बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने हुआ ही होगी। किस तरीके से NDA गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुँच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखें पत्र, उसमें क्या है। आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम NDA के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं नचड़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भेजने की बात कर रहे हैं 4 महीने के बाद, वो डर गए हैं। 35 साल का बुजुर्ग युवा से डर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से, जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा
उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक तारीख के बाद से चार तारीख तक ये रोना गाना चलेगा ईवीएम को लेकर, और चार तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि ईवीएम का दोष है, कैसे एनडीए को 400 प्लस सीटें आ गईं। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं, बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है।